हेलो बच्चों, कैसे हो? सब मस्त? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे, और हर बार की तरह साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करते होंगे। आप सभी का रे कॉमर्स क्लासेस गढ़वा में स्वागत है। और मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम रे कॉमर्स क्लासेस है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब करें और प्रेस नोटिफिकेशन जो बटन है उसको भी आप प्लीज बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नया नया आपको मिलती रहे। बच्चों, हम जो इशू ऑफ शेयर का सीरीज लेकर चल रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 10 आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें लेक्चर नंबर 9 जो हमने रिकॉर्ड किया था, जिसे हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली बात कर रहे थे कि इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, कि कोई भी कंपनी बाजार में जब अपनी सिक्योरिटी बेचती है, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इन सब चीजों को इशू करती है तो कैसे करती है। तो उसमें हमने बकायदा देखा था कि आईपीओ लेके आती है, पब्लिक इशू करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, स्वेट इक्विटी शेयर छोड़ती है, राइट इक्विटी शेयर करती है, बोनस शेयर करती है, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करती है, सारे बातें हो चुके थे। और मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जो पब्लिक इशू है उस पर लेके हम डिटेल चर्चा आएंगे, क्योंकि मेजर ऑफ द 90% जो शेयर है, मतलब ऐसा बोलो कि जितना ज्यादा अधिक से अधिक शेयर है वो पब्लिक इशू के थ्रू ही कंपनी बेचती है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मतलब नो बकवास, सीधी बात। तो सीधे हम टॉपिक पर आते हैं, इशू ऑफ शेयर चैप्टर लेक्चर नंबर 10। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या है आज हम डील करने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, इशू मतलब निर्गमित करना, किसी को देना, पब्लिक माने आम जनता, यानी आम जनता को बेचना है। अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जो पब्लिक इशू होता है वो पब्लिक कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मतलब इशू करने होते हैं, उनको आम पब्लिक के लिए इशू करने का राइट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं, अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो ये 12th वालों के लिए और बीकम सेमेस्टर 4 वालों के लिए एप्लीकेबल है। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे भी है जो सीए करना चाहते हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है पब्लिक इशू। आप ध्यान से समझिएगा, पब्लिक इशू समझने के लिए हमें 3 स्टेप को समझना पड़ेगा। कंपनी से 3 स्टेप पर डील करती है। पहला, ऑफर बाय कंपनी टू पब्लिक, यानी ऑफर जो है वो कंपनी से पब्लिक को दिया जाता है। दूसरा, एप्लीकेशन विथ मनी बाय पब्लिक टू कंपनी, यानी जब एक बार कंपनी ऑफर कर देती है तो ऑफर करने के बाद पब्लिक उसको खरीदना चाहता है, जो भी पब्लिक खरीदना चाहता है वो शुरुआत में एप्लीकेशन मनी के साथ फॉर्म फिलअप करके कंपनी को रिटर्न करता है। और देन तब लास्ट कंडीशन में क्या होता है, अलॉटमेंट बाय कंपनी टू एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेशन मनी दिया होगा उन्हें वो शेयर अलॉट किए जाएंगे कंपनी के द्वारा। तो 3 प्रोसीजर हमें समझना है, यानी कोई भी कंपनी मार्केट में जब शेयर छोड़ती है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, उसे आप इन 3 पर्टिकुलर वे में समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं बच्चों ऑफर बाय कंपनी टू पब्लिक, क्या करना है देखिए। लिखा हुआ कि एन एप्लीकेशन शैल बी मेड, इधर से देखो बच्चों, एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला काम हमारा होता है कि जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी मार्केट में ले जाता है तो सबसे पहले उन्हें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना एप्लीकेशन देना होता है, क्योंकि पहले हमें लिस्टेड होना पड़ता है। सेबी के गाइडलाइन के अनुसार हमें अपना शेयर इशू करने होते हैं तो हम कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, कहने का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, निफ्टी में जाएंगे और इस तरह के 28-30 तरह के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर जाएंगे और अपनी कंपनी का जो शेयर है अपनी कंपनी को लिस्टेड कराएंगे, ताकि हम वहां से शेयर इशू कर सके। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं बच्चों कि जब आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टेड होते हैं, आप वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं शेयर इशू करने के मकसद से, तो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप एक बात जान जाइए कि कोई भी कंपनी एक ही स्टॉक एक्सचेंज में कोशिश करती है लिस्टेड होने के लिए, या तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होगा या निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होगा। कहने का मतलब है कि अगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होना चाहता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होना चाहता है और कल के डेट में दोनों के यहां वो अपना एप्लीकेशन डाला था, मान लो ठीक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला ने एक्सेप्ट कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया कि आप शेयर बेच सकते हैं, लेकिन उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले ने मना कर दिया, तो उसके मना करने के कारण जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन
मिला है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि एक से ज्यादा लोगों को ना दें, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप अपना कंपनी का वहां पर लिस्टिंग कराते हैं और कल के डेट में किसी एक ने भी अगर आपको रिफ्यूज कर दिया तो बाकी लोग कितना हो कोशिश करें आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आप ऑलरेडी रिफ्यूज हो जाएंगे, ऑलरेडी आपको साइड कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें किसी एक ही स्टॉक एक्सचेंज में या दो स्टॉक एक्सचेंज में दें, कोशिश करें कि एक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड कराएगी ताकि पूरा का पूरा चांस रहे रजिस्टर्ड होने का, लिस्टेड होने का, उनको आउट ऑफ मार्केट होने का चांस ना मिले। नहीं तो एक से ज्यादा लोग से कॉन्टेक्ट करने के बाद यही परेशानी होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा, जब एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लिया, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया, तो फिर क्या होगा, यू हैव टू फॉर्म एन एग्रीमेंट विथ, अब उन्हें कुछ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं अपने शेयर इशू करने के लिए। अब क्या एग्रीमेंट होते हैं बच्चों, सबसे पहले अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट होता है। कहने का मतलब है कि जब हम मार्केट में शेयर लेके आते हैं, मान लिया कि रिलायंस जो लिमिटेड है कल के डेट में मार्केट में 1000 करोड़ का शेयर बेचना चाहता है। अब 1000 करोड़ का शेयर बेचना है और मान लीजिए, मैं रिलायंस एग्जांपल नहीं लेता, एक नया कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है और मार्केट में उसे 1000 करोड़ का शेयर बेचना है। 1000 करोड़ का शेयर बेचने के लिए जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ तो वो किसी के साथ एग्रीमेंट भी करेगा, क्योंकि जब वो मार्केट में अपना लिस्टिंग करा लिया और पब्लिक उसके शेयर को खरीदने के लिए अब एलिजिबल है और वो मार्केट में भी एलिजिबल है शेयर इशू करने के लिए, पब्लिक अपना शेयर खरीदना स्टार्ट किया, तो कोई गारंटी नहीं होता है कि उनका 1000 करोड़ का शेयर बिक ही जाए। मान लीजिए 200 करोड़ या 400 करोड़ तक जाके बिक गया, फिर बाकी शेयर रुक गए, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी का फुलफिल रिक्वायरमेंट नहीं होगा। उनकी टोटल जो सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल होता है 90%, जो भी शेयर इशू कर उसका 90% अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो उनके साथ कुछ परेशानी खड़ी हो जाती है। इसके लिए वो अंडरराइटर को जो है क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। अंडरराइटर वो व्यक्ति होता है जो इस बात की गारंटी लेता है कि जितना शेयर बिक गया सो बिक गया, जो नहीं बिका वो हम अकेले खड़ा होकर बिकवा देंगे या हम खुद खरीद लेंगे। तो लिखा है कि अंडरराइटर विल प्रोवाइड गारंटी दैट ही विल सब्सक्राइब फॉर शेयर इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जो शेयर आप बेचना चाहते हैं और आपका टारगेट है कि हमें 90% तो कम से कम बेचना होगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कुछ कहानी लिखा हुआ है। तो हम जो बात करने वाले हैं, हम पीछे वीडियो में बताए थे किसी भी कंपनी को अपना शेयर इशू करने के बाद कम से कम जो भी शेयर इशू करता है उसका 90% हिस्सा तो हर हाल में उनको बेचना पड़ेगा, तभी उनको शेयर से रिलेटेड सारे काम करने का मौका मिलेंगे, अन्यथा उनका पैसा उनको रिटर्न करना पड़ जाएगा। तो यहां पर जो वर्ड अंडरराइटर आया, इस अंडरराइटर का मतलब है कि आप जो शेयर बेचना चाहते हैं और अगर उसका 90% का हिस्सा नहीं बिका, मान लीजिए 1000 करोड़ का आप शेयर बेचना चाहते हैं बच्चों, कितने का शेयर बेचना चाहते हैं, 1000 करोड़ का 90% हो जाता है बच्चा 900 करोड़। अब 900 करोड़ में मान लीजिए कि पब्लिक ने 500 करोड़ का शेयर परचेज कर लिया, 500 करोड़ का शेयर परचेज कर लिया, लेकिन जो 400 करोड़ का शेयर बच गया और ये जब तक नहीं बिकेगा तब तक आपके कंपनी को उस शेयर के पैसा को यूटिलाइजेशन करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में ये जो 400 करोड़ का शेयर बचा है बच्चों, ये अंडरराइटर खरीद लेंगे। कौन खरीद लेंगे, अंडरराइटर, या तो खरीद लेंगे या ये गारंटी लेंगे कि हम आपका शेयर बिचवा देंगे, किसी और के हाथों बिकवा देंगे, लेकिन वो कमीशन पर काम करते हैं। यहाँ देखिए कमीशन लिखा हुआ है, अगर डिबेंचर ऐसे हाल में डिबेंचर इशू किया जाएगा तो 2.5% का कमीशन लेगा अंडरराइटर, और अगर शेयर होगा तो 5% का कमीशन लगेगा। यानी अगर ये 400 करोड़ शेयर में बिक रहा है तो इसका 5% अंडरराइटर ले जाएगा, और अगर ये 400 करोड़ डिबेंचर के लिए बिक रहा है तो 2.5% भी अंडरराइटर ले जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा है कि आर्टिकल कैन प्रोवाइड ए लोअर रेट। अच्छा, आर्टिकल में आप रेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो मतलब एज पर कंपनी लॉ है, लेकिन आप आर्टिकल में चाहे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अपना रेट डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितना देंगे, लेकिन मैक्सिमम 5% से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लेंगे, फिर आप अंडरराइटर से करा लेंगे एग्रीमेंट, ताकि अगर उतना कम बेसी हुआ, कुछ शेयर नहीं बिक पाया तो वो बिकवा देगा या खरीद लेगा जो भी है, और फिर तीसरा मर्चेंट बैंकर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ मर्चेंट बैंकर, क्योंकि जब भी पब्लिक आपका शेयर परचेज करेगा तो आपको कैश देगा,
तो कैश हैंड टू हैंड तो देने नहीं आएगा, कंपनियां अलग अलग जगहों पर सिचुएटेड होती है, स्थित होती है। तो ऐसे कंडीशन में एक मर्चेंट बैंकर होते हैं जो आपके सारे पैसा का डीलिंग का काम करते हैं, वो बीच में एज ए ब्रोकर का काम, एज ए मतलब बोले तो मीडिएटर पॉइंट का काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोटक है, सिटी है, एक्सिस कैपिटल है, ऐसे करके बहुत सारे मर्चेंट बैंकर है जिससे कंपनी को एग्रीमेंट करना पड़ता है कि कल के डेट में अगर हमारा शेयर इशू हुआ तो जो भी एप्लीकेशन वाला बंदा हमें पैसा देगा वो कहां देगा, तो आपके बैंक में देगा, और फिर उस बैंक से पैसा मतलब उस बैंक में आने के बाद पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले केस में जब ऑफर करती है मतलब ऑफर जब करेगी कंपनी पब्लिक को, उससे पहले यहां पर मान क्यों चलो कि ये तीन प्रोसीजर हो जाना चाहिए। क्या क्या? पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाना चाहिए और हमें अपने पर्टिकुलर दो लोगों से एग्रीमेंट कर लेना होगा, एक अंडरराइटर से और एक मर्चेंट बैंकर से। ठीक है बच्चों, अब मान लिया इतना काम हो गया, इतना काम होने के बाद अब अगला प्रोसीजर पर आते हैं। अब ऐसा होता है कि पब्लिक जो है वो हमारे शेयर में इंटरेस्टेड होगा शेयर खरीदने के लिए, तो पहले एप्लीकेशन होगा, पहला तो ऑफर हो गया, सारे बात समझ गए बच्चों अच्छे से, कोल्ड आउट। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन का, जब मार्केट में ऑफर हो जाएगा शेयर का तो जो बंदा इंटरेस्टेड होगा शेयर खरीदने के लिए कंपनी का, अब वो एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप कॉलेज एग्जांपल ले लो, कॉलेज ने एक ऑफर दिया स्टूडेंट को कि भाई इतने सीटें हैं बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में, बीए में, अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उनके काउंटर पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर फॉर्म के सारे कॉलम भरने पड़ेंगे, फिर कुछ रिक्वायरमेंट जो फी होता है वो जमा करना पड़ेगा। सेम उसी तरह समझिए कंपनी का भी, अगर हमें शेयर खरीदना है तब हमें यहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो तो क्या है सर, बच्चों आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन करेगा एक आम पब्लिक करेगा विथ मनी, जैसे भी एग्जाम्पल स्टूडेंट का दिया कि वो फॉर्म भरेगा साथ में पैसा भी देगा। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो भी बंदा शेयर खरीदना बेचना चाहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। बच्चों डीमैटाइजेशन अकाउंट बोलते हैं, जैसे आम आदमी का सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपोजिट अकाउंट, करंट अकाउंट खुलता है, उस एक बंदे को शेयर खरीदने बेचने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो उसे डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, और वो सारे इस तरह के मर्चेंट बैंकर के यहाँ खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से सारा काम करेगा। तो बाय पब्लिक टू कंपनी, अब पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा देना चाहती है, वो अभी बताना चाहती है कि हम आपके कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। कैसे सर, देखिए तो क्या क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, यानी जब बंदा वो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा और कल के डेट में कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जब वो पहली किस्त देना चाहेगा, या यूं समझो कि एप्लीकेशन के साथ जो शुरुआत में पैसा देना होता है, जैसे कॉलेज में क्या होता है आपको याद है, एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं 50-100 रुपए देकर, फिर एप्लीकेशन जमा कर रहा हम एडमिशन फी देते हैं। कुछ यूं समझ लो कि यहाँ पर भी जो बंदा कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है वो यहाँ पर क्या करना चाहता है, एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, बस यूं समझो। तो कितना एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब मार्केट में जो शेयर खरीदना चाह रहा है, मान लीजिए कि मार्केट में XYZ लिमिटेड का शेयर खरीदना चाह रहा है पब्लिक और शेयर है 1000 रुपए का, तो इसका कम से कम 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा बच्चों, 50 रुपए, यानी 50 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। दूसरा, एप्लीकेशन मनी सेल बी डिपॉजिट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक, यानी जब ये पैसा एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेंट के द्वारा कंपनी को दिया जाएगा इन मर्चेंट बैंकर के थ्रू, चाहे वो कोटक हो, सिटी हो, एक्सिस बैंक किस भी हो, अगर इनके थ्रू दिया जाएगा तो ये सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे बैंक जो हमारे इंडिया में है वो ग्रामीण बैंक, ऑपरेटिव बैंक को छोड़ के सारे शेड्यूल बैंक होते हैं, उसके खाते में जाएगा। लेकिन किसके में, कंपनी के खाते में जाएंगे, ये वहां पर एक सेपरेट अकाउंट रहता है। फिर तीसरा, एप्लीकेशन मनी सेल बी एडजस्टेड और रिटर्न, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया कि एक बंदा एप्लीकेशन का पैसा दिया और कंपनी के शेड्यूल बैंक में जहां खाता खुला होगा वहां पर सारे पैसे डिपॉजिट हो गए, ठीक है बच्चों, ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, यहां पर खाता नहीं होता है, यहां पर जो शेयर खरीदना चाहता है उस बंदे का खाता खुलता है, और वहां से ये जो मर्चेंट बैंकर होते हैं ना, ये कंपनी के शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और शेयर खरीद बिक्री के दरमियान जो पैसा आता है ना वो बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, और फिर सारा का सारा पैसा शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, इस बैंक में कहीं भी नहीं रहता, ये कमीशन पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया 5%, अच्छा ये 5% के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ क्राइटेरिया है,
अगर मान लिया कि कंपनी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुआ, पहली बार आईपीओ लेके आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहा है, तो अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके फर्स्ट टाइम आ रहा है, मान लिया वो कंपनी 2020 में बना था, तो कंपनी लॉ के अनुसार शेयर का 5% मिनिमम रखना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन। जैसा मैंने यहां बताया कि 1000 रुपए का 5% 50 रुपए होता है। लेकिन अगर यही कंपनी एक बार शेयर इशू करने के बाद सेकेंड टाइम भी शेयर इशू करना चाहे, थर्ड टाइम शेयर इशू करना चाहे, फोर्थ टाइम इशू करना चाहे शेयर, तो उसको हम फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है फर्दर इशू। अब मान लिया कि 2020 में पहली बार शेयर इशू किया, इसके बाद 2025 में दोबारा शेयर इशू करना रहता, उस समय कंपनी लॉ का उसमें सेबी का गाइडलाइन चलता है, और सेबी के रूल के अनुसार कितना रखना पड़ेगा 25%। यानी 5 साल बाद जब यही कंपनी फिर से शेयर बेचेगा तो 1000 रुपए का 5% नहीं रखेगा मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन का, 25% रखेगा। यानी उन्हें कितना देना पड़ेगा, मतलब जो बंदा फिर दोबारा शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगा उसे कितना देना पड़ेगा, 250 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड प्रोसीजर हो गया, जहां पर हमने देखा कि पहला प्रोसीजर में कंपनी ऑफर करता है पब्लिक को, और ऑफर करने से पहले वो दो पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो कर लेता है। फिर यहाँ पर जो एप्लीकेशन मनी है, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो यहाँ पर विथ मनी मतलब शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट किया जाता है इन मर्चेंट बैंकर के थ्रू, जो भी बंदा शेयर खरीदना चाहे। सीधी सी भाषा में हम बात करें तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है कि आपको एप्लीकेशन मनी पहले जमा करना पड़ेगा जो 5% के बराबर होगा, और वो नेशनल शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होगा, और फिर यहाँ पर एडजस्ट एंड रिटर्न। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर मान लिया कि सारा पैसा डिपॉजिट हो गया, लेकिन ये 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, जो मैं यहां पर आपको समझा रहा था कि 1000 का 90% 900 करोड़ होता है, अगर ये फॉलो नहीं हो पाया, मर्चेंट बैंकर या ये जो आपका अंडरराइटर है वो भी आपको यहां पर वो 400 रेट नहीं बिकवा पाया, आपका 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। और अगर वो सारे के सारे फुलफिल हो गए, सारा 900 करोड़ आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजस्ट हो गए। क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं तीसरा कंडीशन में, अलॉटमेंट। तो अगर हम अपनी भाषा में बात करें कि अब जब एक बार पब्लिक ऑफर हो गया और पब्लिक भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, और पब्लिक ने जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है उसको पूरा कर लिया, तो अब कंपनी वो शेयर उनके नाम पर अलॉट करेगा। जैसे कॉलेज में क्या होता है बच्चों, याद करो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लेके 5000 रुपए में सारा डेटा भर के और फिल कर देते हैं कॉलेज को, फिर कॉलेज मेरिट लिस्ट बना के देता है, जब मेरिट में नाम आता है तब आपको एडमिशन का मौका मिलता है। तो वो जो मेरिट है वो क्या है सर, अलॉटमेंट है कि हाँ आपके लिए सीट कॉलेज अलॉट करती है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कंपनी यहाँ शेयर एप्लीकेशन के बाद एक तरह से समझो कि मेरिट बनाती है, और फिर उन बंदों को शेयर अलॉट करती है, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट के प्रोसीजर में होता है। तो अब जब यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट होते समय कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है। जैसे आपके लिए क्या होता है, मान लिया एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं नामधारी कॉलेज में एडमिशन लेने, या सेंट जेवियर कॉलेज रांची में जा रहे हैं, तो क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा भाई, आपको 90% लाने होंगे, आपको कट ऑफ फुलफिल करना पड़ेगा, इतने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एप्लीकेशन जो बंदा देता है उसको शेयर अलॉट होने के लिए उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। क्या, सबसे पहला अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर आप एप्लीकेशन दे दिए और उसके बाद आपका अलॉटमेंट होने वाला है, लेकिन सबसे पहले चेक करता है कंपनी कि अभी स्टॉक एक्सचेंज से हमें अप्रूवल मिला है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि इधर पब्लिक को ऑफर करके और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देके बंदा शेयर का प्रोसीजर चालू कर देता है, तो अलॉटमेंट करने से पहले देखना पड़ता है कि इन स्टॉक एक्सचेंज से हमें अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो 90% का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दो हिस्सा में तोड़ा हुआ है, कंपनी लॉ सेबी। कंपनी लॉ क्या बोलता है, द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस, और सेबी के अनुसार 90% ऑफ द शेयर ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को जो ऑफर किया गया उसका 90%। लेकिन बच्चों कहने का मतलब है कि हम किसको फुलफिल करें, अगर अभी हमारा स्टॉक एक्सचेंज में मान लिया रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, अभी हम उसके अप्रूवल में है, चलिए मान लिया हमको अप्रूवल मिल भी गया, तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, हम कंपनी लॉ फॉलो करते हैं, जो कंपनी लॉ के प्रोस्पेक्टस में मेरा लिखा होता है उसको हम फॉलो करते हैं कि हमें इतना परसेंट आना चाहिए, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। लेकिन बाद में जाके फर्स्ट के बाद जो फर्दर होता है उसमें हमें कितना परसेंट पर आना पड़ता है, 90% पर। इन दोनों में से एज पर कंडीशन लॉ फॉलो किए जाते हैं, कंपनी लॉ भी फॉलो किया जाता है और सेबी 90% ऑफ द शेयर आफ्टर टू द पब्लिक, जो मैंने पब्लिक को शेयर इशू किया उसका 90% होना चाहिए। तो आप यहां पर शुरू में कंपनी लॉ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी
अप्रूवल मान लो नहीं मिल पाया या मिल गया अप्रूवल, तो यहाँ पर पहले कंपनी लोग हम फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम लेके आएंगे, तो हम सेबी की बातें फॉलो करेंगे, ठीक है। तीसरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है अगर वो मिला तो विद इन 30 डेज फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है जो या तो 90% होगा सेबी के अनुसार, चाहे जो भी हमारी प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, ये हमारे प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि मान लिया कि 2020 यानी 1 तारीख पहला महीना 2020 के दिन हम मार्केट में शेयर इशू करने के लिए ऑफर डाल दिए। क्या डाल दिए? ऑफर। ऑफर में हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। जैसे बच्चों याद करो, कॉलेज में भी प्रोस्पेक्टस मिलता है बच्चों को कि देख लो कॉलेज की क्या कंस्ट्रक्शन है, कौन कौन टीचर है, कौन कौन डिपार्टमेंट है, क्या कॉलेज की उपलब्धि है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। ये प्रोस्पेक्टस अगर 1 जनवरी को इशू हुआ तो हार्डली से हार्डली 30 जनवरी, मतलब 30 दिन के अंदर सारा का सारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, चाहे वो एज पर कंपनी लॉ हो या ये 90% जो पब्लिक को इश्यू किया गया उसका, वो आ जाना चाहिए। यानी आपके पास अपना शेयर ऑफर करने के बाद 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर आप जितना भी शेयर बेचना चाहते हो उसका 90% आपको मिल जाना चाहिए। अगर इफ नॉट रिसीव, ऐसा नहीं हुआ बच्चों, तो कंपनी शैल रिफंड द एप्लीकेशन मनी। क्या लिखा है बच्चों? कंपनी से रिफंड द एप्लीकेशन मनी, जो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि रिटर्न हो जाता है। फिर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पैसा होल्ड करके रखेंगे। आगे लिख रहा है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू, यानी अगर 30 तारीख को अगर ये बंद हो जाता है तो 30 तारीख के बंद होने के अगले 15 दिन के अंदर आपको क्या कर देने होते हैं? रिफंड कर देने होते हैं। यानी कुल मिला के जिस दिन आपने पब्लिक के लिए ऑफर किया उस डेट से लेकर 30 दिन तक आप इशू का इंतजार करेंगे 90% का। अगर 90% ऑफ पब्लिक के ऑफर का शेयर का नहीं आया तो अगले 15 दिन के अंदर सारा पैसा आपको वापस उन्हीं को भेज देना होता है, ठीक है बच्चों। अगर आप ऐसा करने में भी नाकाम हो जाते हैं तो कंपनी सेल पे एप्लीकेशन मनी अलोंग विथ द इंटरेस्ट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, अगले 15 दिन में उनका पैसा नहीं भेज पाते हैं, तो फिर उसके नेक्स्ट डे से आप पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 15% का ब्याज लग जाएगा और ब्याज के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा। जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर कि 1 तारीख पहला महीना 2020 के दिन आपने पब्लिक इशू किया और आपका 30 जनवरी पहला महीना 20 के दिन क्लोज हो गया, तो इसके आगे 15 दिन यानी 15 फरवरी तक आपको पैसा उनको रिटर्न कर देना है। अगर आप 15 फरवरी तक पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो इस डेट से आगे अब जितो डेट बढ़ेगा तो आपको वहां से क्या चार्ज हो जाएगा? 15% का एक्स्ट्रा ब्याज आपको देना पड़ेगा। जितना पैसा पब्लिक का लिए है उतना का 15% सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा कि अब सोचने वाली बात है कि ब्याज कहां से लगेगा। ये 15 फरवरी से आगे, जैसे मान लो 16 फरवरी 17 फरवरी 18 फरवरी हो गए, उस डेट से आगे हमें ब्याज लगेगा? नहीं बच्चों, अगर आप 15 फरवरी के बाद पैसा नहीं पे, मतलब 15 फरवरी तक आप पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो 15 फरवरी के बाद इंटरेस्ट तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट काउंटिंग हो जाएगा यहां से, कहां से? जिस दिन से आपका पब्लिक इशू का ऑफर गया था। यानी यूं समझ लो कि 45 डेज के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर आपके अमाउंट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो अगले 15 दिन के अंदर उनका सारा पैसा रिफंड कर दीजिए, और नहीं तो 45 डेज कंप्लीट होने के बाद अगर आप पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वो इंटरेस्ट कहां से चार्ज होगा? 45 प्रीवियस डेज यानी पहला दिन से चालू हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, यानी कि बिना काम का 1.5 महीने का ब्याज आपको देना पड़ सकता है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इतने कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, जैसे कॉलेज में बच्चों के लिए कुछ कंडीशन होता है तब जाके मैरिट में उनका नाम आता है, तो ठीक इसी प्रकार अगर वो इतने कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तब उनके नाम पर क्या हो जाता है बच्चों? अलॉटमेंट हो जाता है। तो अब अलॉटमेंट क्या होगा? बाय कंपनी टू एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेशन मनी दिया है उन बंदों का उनका शेयर उनके नाम पर ट्रांसफर होने लगेगा। जैसे बच्चों लोगों को कॉलेज में सीट अलॉट होता है, फिर बोला जाता है कि मैरिट निकल गया आप अपना एडमिशन करा लें, ठीक उसी प्रकार उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नोटिस दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और फिर उनको बोला जाता है कि आप अपना शेयर अलॉट करा लें। और जब शेयर अलॉट होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, जब कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन को शेयर अलॉटमेंट कराया जाएगा तो क्या है यहाँ पर? कंपनी सेल फाइल ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विथ आरओसी विद इन 30 डेज। यानी मान लो बच्चों कि ऐसा हम मान लेते हैं कि ये 30 दिन में हमें मिल गया 90% ऑफ जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया था बच्चों हमको मिल गया। अब इस वाले डेट से हम अलॉटमेंट स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, तो इस डेट से अलॉटमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंपनी को फाइल करना पड़ता है, फॉर्म फाइल करना पड़ता है, इसे पास बोलते हैं, इसको बोलते हैं
प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी, ये फॉर्म नंबर है कंपनी लॉ के अनुसार। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटी फॉर्म नंबर 3 में सारा डेटा भर के आरओसी को देना पड़ता है विद इन 30 डेज। यानी अगर आपका 30 जनवरी के दिन आपका सारा का सारा 90% पैसा यहां तक आ गया, फिर इसके बाद आपको अलॉटमेंट करना है, तो अगले 30 डेज यानी 28 फरवरी आते आते तक आपको पास जो मतलब प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर्म नंबर 3 है उसमें सारा डेटा भर के आरओसी को सबमिट करना पड़ता है कि हाँ अब हम अपने सारे एप्लीकेंट को शेयर अलॉट करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या रहेगा, क्या तो उसमें नेम ऑफ अलॉटी, किसको आप शेयर दे रहे हो उसका नाम रहेगा, डिटेल ऑफ अलॉटी, सारा उसका डेटा, अता पता क्या करता है सारा चीज रहेगा, और नंबर ऑफ शेयर ऑफ अलॉटी मतलब कितना उसको शेयर दे रहे हैं, यानी जिस भी बंदे को आप शेयर अलॉट करेंगे उसका नाम और वो कहां का रहने वाला है, क्या पैसा है वगैरह वगैरह सारा डेटा, और प्लस आप उसको कितना शेयर दे रहे हैं। तो बच्चों ये पब्लिक इशू का मेन 3 प्रोसीजर होता है। कोई भी कंपनी मार्केट में जब पब्लिक के लिए ऑफर करती है शेयर तो ये 3 प्रोसीजर को फॉलो करती है। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन, फिर कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट ताकि उनका सारा का सारा शेयर बिक जाए, फिर उसके बाद जो भी बंदा शेयर खरीदना चाहता है वो अपना फेस वैल्यू जो भी शेयर का रेट लगा होगा उसका 5% नॉमिनल वैल्यू देगा, और फर्दर इशू होगा फर्स्ट टाइम इशू हुआ तो 5%, फर्दर इशू हुआ तो 25%। फिर एप्लीकेशन मनी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होगा, और अगर वो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो नहीं हो पाता है बच्चों तो सारा का सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा कंडीशन प्रॉपर ढंग से फुलफिल हो गया, 90% आ गया, तो सारे के सारे पैसे एडजस्ट होंगे और फिर अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन अलॉटमेंट होने से पहले कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं आ पाया तो अगले 30 दिन में उनको रिटर्न कर देना होता है, नहीं कर पाया तो हमें अगले 15 दिन में और अगले उसके बाद 15 दिन से मतलब बोले तो 30 दिन में सारा पैसा ना चाहिए, अगले 15 दिन में रिटर्न करना चाहिए। अगर नहीं रिटर्न कर पाए तो फिर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो है शुरू से चार्ज हो जाता है, यानी पीछे से जिस रेट से आपने ऑफर किया था वहां से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कंपनी आरओसी पास नंबर 3 फाइल कर देती है, और फिर उसमें नेम ऑफ अलॉटी, डिटेल ऑफ अलॉटी और शेयर ऑफ अलॉटी का नाम रहता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक गोल घेरे में कुछ लिखा होगा, अगर यहाँ पर आपके पास अगर लाइटिंग कर रहा होगा, लाइटिंग का थोड़ी सी परेशानी है, अगर यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है ये अंडरराइटर के लिए लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि मान लिया कि अगर 500 करोड़ पब्लिक खरीद लेते हैं और 400 करोड़ अंडरराइटर एक जिम्मा लेता है, एक लाइबिलिटी उठाता है कि हम सारे का सारा शेयर आपका बिकवा देंगे या खुद खरीद लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कोई बड़ी रकम इन्वेस्ट करने वाला मतलब बंदा चाहिए, बड़ी रकम इन्वेस्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन चाहिए, 400 करोड़ तो छोटा मोटा है नहीं। तो ये जो अंडरराइटर बनते हैं ना वो किस क्राइटेरिया के होते हैं उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे पहले लिखा हुआ है NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर लिखा हुआ QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर लिखा FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर लिखा है जो हम लोग इससे चिल्लर होते हैं ना छोटे वाले खुदरा जो 1000-2000 शेयर खरीदते हैं आम पब्लिक, उसे क्या बोलते हैं RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो ये जो हमारा NII है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें आप सीधे नाम धर लीजिए पर्सनली, रतन टाटा जी हो गए, ठीक है, मुकेश अंबानी जी हो गए, अजीज प्रेम जी हो गए, ऐसे लोग। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में LIC वगैरह आ गए, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आ गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब सीधा जो फॉरेन की कंपनी होती है, और आम बंदे जो होते हैं वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आते हैं। तो ठीक है बच्चों, एक इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 10 था जिसमें हमने पब्लिक इशू को लेकर प्रोसीजर का बात किया कि एक कोई भी कंपनी मार्केट में अपना शेयर कैसे इशू करती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहीं पर आज खत्म करते हैं इस वीडियो को, और फिर अगले नेक्स्ट में हम इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड करेंगे जहां से हम प्रैक्टिकल मोड की और जर्नल वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, मस्त रहे, घर में रहे, सेफ रहे और पढ़ाई भी करते रहे।